वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस मैं देव जुनैया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में सेशन नंबर सेवेंटी फोर मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड किया है मैंने और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आज आपका रिलिवेंट uh, जो चैप्टर आपका चल रहा था रिलीवेंट कन्वर्सेशन का वो आज समाप्त हो जाएगा आपके छः पार्ट थे रिलीवेंट के वॉट वॉट टाइम वेयर वैन वाई हाउ और हाउ के चार पार्ट थे तो चौथा पार्ट मैंने कल आपसे तीसरे पार्ट के ऊपर बात करी थी क्या आपको ये काम करना आता है ठीक है ना हम लोग कल की जो वीडियो है कल की वीडियो नहीं दोस्तों परसों की वीडियो एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं uh, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं मैं पढ़ लेता हूं गा, गा, सुना लेता हूं और कुमार विश्वास जी, जी जो हैं बहुत बड़े कवि हैं उनको अपना मैं एक मानता हूं और उनकी कविताओं को मैं पढ़ उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं लेकिन यह है कि फॉलो करता हूं उनको तो बहुत सारी कविता उनकी हैं जो मैं पढ़ता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी उसे अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए तो थोड़ा सा एक माइंड आपका और फ्रेश हो जाएगा उन वीडियोज़ को उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उन कविताओं के बारे में जो कविता कुमार जी की कविताएं हैं उनको मैं पढ़ के आपको कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना कि सुनाऊंगा उन कविताओं को इससे आप लोगों को एक अच्छा फीलिंग आएगी और बहुत सारे मैसेजेस भी उस कविता के थ्रू कुमार भाई दिया करते हैं मैं आपको देने का प्रयास करूँगा तो कल की वीडियो एक डिफरेंट होगी कल शायद मैं दो वीडियो अपलोड करूँगा ठीक है ना दोनों दोनों डिफरेंट पढ़ाई से से आपके स्पोकन कोर्स रिलेट करती नहीं होंगी क्योंकि रिलेवेंट सही मायने में जो बेसिक कोर्स है आपका उसका जो अंत है वो रिलेवेंट कन्वर्सेशन में ही होता है आज सही मायने में पूरी बेसिक आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी खत्म हो जाएगी और कल से आपका एग्जैक्ट दूसरा एग कोर्स आपका शुरू होगा मेन कोर्स जो शुरू कल से होगा तो परसों से तो मैं चाहता हूँ उस कोर्स से पहले छोटा सा एक अपना एमनो डाइवर्जन करें और अपना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हम लोग देखें तो कल मैं दो वीडियोस आपके अपलोड करने वाला हूं दोनों डिफरेंट होंगी एक सुबह करूंगा बारह बजे के आसपास एक शाम में करूंगा नौ बजे के आसपास दोनों डिफरेंट होंगी आपको देख के पसंद आए अच्छा लगेगा क्लियर है तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शेयर करते हैं आज का हम लोग आपसे चैप्टर हाउ का लास्ट पार्ट एक स्टोरी के माध्यम से स्टोरी इस प्रकार है एक हफ़्ता पहले मेरी मार्केट घूमने की इच्छा थी इसलिए मैंने अपनी सिस्टर से पूछा या सिस्टर से कहा कि मैं मार्केट जाना चाहता हूं इसलिए मार्केट जा रहा हूं क्या आप चलेंगी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं टीवी देख रही हूं तो मैंने कहा आपको चलना चाहिए क्योंकि मैं जाना चाहता हूं तो सिस्टर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी तो मैंने कहा कितनी ज़िद्दी हैं आप मैंने उनसे कितनी जिद्दी हैं आप यही आपका हाउ का चौथा पार्ट है पहले स्टोरी जो हमने थोड़ी पंच बनाई है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं फिर इस चैप्टर हम लोग आएंगे एक पिछले हफ्ते पिछले मतलब लास्ट हफ़्ते को बोलते हैं वीक मैंने आपको दिया हुआ है पिछले हफ्ते लास्ट वीक मेरी मार्केट घूमने की मार्केट जाने की इच्छा थी अब इच्छा पास्ट की आ रही है सेकंड फॉर्म आती पास्ट में वांट इच्छा को शो करने के लिए क्या आता है वांट वॉन्ट वांट कहा जाएगा वांटेड ई आ जाएगी तो आई वांटेड टू तो गो टू मार्केट मेरी मार्केट जाने की इच्छा थी इसलिए दैट्स व्हाई मैंने अपनी बहन से कहा आप कहने को बोलते हैं सेकंड फॉर्म सेड आई सच टू माय सिस्टर कि मैं मार्केट जाना चाहता हूं अब यहाँ इच्छा काम शामिल आती थे चाहता हूँ काम शामिल तो आई फर्स्ट फॉर्म आती है आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट इसलिए दैट्स वाई मैं मार्केट जा रहा हूँ अब आए एनजीआर ही काम चल रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट तो क्या आप चलेंगी अब यहाँ फ्यूचर आ गया उसका क्वेश्चन आ रहा है टाइमवर्ट पहले आएगा तो विल यू गो क्योंकि तो टाइमर कौन सा होता है फ्यूचर का विल होता है विल यू गो सिस्टर ने कहा सिस्टर सेड कि मैं नहीं जा सकती अब यहाँ वो कैपेसिटी लगा रही है आई अब कैपेसिटी और कैन आता है तो मैं नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है तो मैं नहीं जा सकती आई कैन नॉट गो क्योंकि बिकॉज मैं टीवी देख रही हूं अब देख रही है काम चल रहा तो अब वॉच को आ जाएगा वॉचिंग देखने को बोलते हैं वॉच आई एम वॉचिंग टीवी तो मैंने कहा आई सेड कि आपको चलना चाहिए मैंने सलाह दी सलाह के लेके आता शुड तो यू शुड गो तो मेरी बहन ने कहा मैं सिस्टर सेड मैं नहीं जाऊँगी अब यहाँ पे आ गया फ्यूचर समय को बचानी है आई विल नॉट गो तो मैंने कहा आई सेड कितनी ज़िद्दी हैं आप यही आपका चैप्टर है एक बार स्टोरी मैंने आज बनवाई है छोटी सी चैप्टर को कैच करने के लिए मैं उसको परफॉर्म करता हूँ लास्ट वीक आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट दैट इज़ वाई आई सेट टू माई सिस्टर दैट आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट सो विल यू गो टू मार्केट विद मी माई सिस्टर सेट टू मी नो आई कैन नॉट गो बिकॉज आई एम वॉचिंग टी वी दैट इज़ वाई आई कैन नॉट गो आई सेड यू शुड गो दैन माई सिस्टर सेट नो आई विल नॉट गो आई सेट कितनी जिद्दी हैं आप दोस्तों यही आपका चैप्टर है हाउ का चौथा पार्ट ये किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ का चौथा पार्ट हाउ डैश

जो भी उसकी क्वालिटी डिस्कवालिटी होगी उसको आप भर देंगे जैसे कि मैंने उससे कहा बहन से कितनी जिद्दी हैं आप अब जिद्दी को फ्रेंड्स बोलते हैं म्यूलिश ये भी एक क्वालिटी डिस्कालिटी म्यूलिश एम यू एल आई एस एच म्यूलिश तो कितनी जिद्दी हैं आप हाउ मिलिश यू आर ठीक है मैं हम और मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए तो मेरे दो मैंने अपने मैं फ्रेंड से कहा आओ चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो तुम तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ उसने मना कर दिया मैं कितने कंजूस हो तुम अब दोस्तों कंजूस को बोलते हैं माइजर कंजूस को बोलते हैं

एल आई ई लाए और झूठ जूट बोल झूठा लायर एल आई ई आर लायर ठीक है ना तो कितने झूठे हो तुम हाउ लायर यू आर कितने ईमानदार हो तुम ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट हाउ ऑनेस्ट यू आर कितने बहादुर हो तुम बहादुर को बोलते हैं ब्रेव मैंने आपको दिया है हाउ ब्रेव यू आर कितने ये बहुत बोलते हैं चैप्टर ये है, बहुत बोलता है ये कितने डरपोक हो तुम अब मैंने आपको दिया है coward, कितने घमंडी हो तुम घमंडी को बोलते हैं है प्राउड प्राउड और एरोगेंट मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं आपने ऑप्शन के चैप्टर को देखिएगा हाउ एरोगेंट यू आर कितने घमंडी हो तुम हाउ एरोगेंट यू आर ठीक है ना अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क, uh, बहुत बातूनी हो बहुत बातें करते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं कोई घर में आपके आया हो बंदा बोले जा रहा है बोले हमने बोला यार कितने बाप का कोई फ्रेंड है कितने बातूनी हो तुम ठीक है ना तो बातूनी को बोले टॉकेटिव टॉकेटिव टी ए एल के टी आई वी टॉकटिव हाउ टॉकटिव यू आर ठीक है ना और बात करते हैं बहुत सारी डिस्वालिटी क्वालिटी होती हैं कितने ईमानदार मैंने बोल दिया हाउ ऑनेस्ट यू आर कितने बहादुर के हाउ ब्रेव यू आर कितने उत्सुक हो तुम जैसे कोई कोई आपने किसी अपने फ्रेंड से काम कहा और ये काम करते हैं तो कहा तो तो करते हैं

छोटी तो सोच वाले को बोलते हैं नैरो माइंडेड और बड़ी सोच वाले को बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड ठीक नैरो माइंडेड ब्रॉड माइंडेड छोटी सोच का व्यक्ति है तो माइंडेड और बड़ी सोच का है तो ब्रॉड कितनी छोटी सोच के व्यक्ति हैं आप तो हाउ माइंडेड यू आर और कितनी बड़ी सोच के व्यक्ति हैं तो हाउ ब्रॉड माइंडेड यू आर क्लियर हो गया तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको यू के लिए बताए हैं जब बात आएगी ही और शी की तो वहाँ पर ही ईज हो जाएगा ये सपोज कर लीजिए आप दो दोस्त बैठे हुए हैं और तीसरे की बात कर रहे हैं हंसी मजाक चल रहा है आपने बोला कितना सनकी है ये अब अगर वो ही है तो ही शी है तो शी हाउ सिनिक ही इज़ कितनी सनकी है ये फीमेल है हाउ सिनिक इज कितना ईमानदार है, है ये हाउ ऑनेस्ट ही इज़ कितनी ईमानदार है ये हाउ ऑनेस्ट शी इज कितना जुनूनी है ये हाउ पैशनेट मैंने आपको दिया है हाउ पैशनेट ही इज़

यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा रिलेवेंट खत्म होता है इसको जितना जितना भी स्टोरी में देखिए इस चैप्टर को आप जितना स्टोरी में अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतना आपके टंक पे आएगा और टंक पे लाने के लिए आपको मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है बोलना है खड़े होकर सामने मिरर के वो करना बहुत जरूरी है मैंने आपसे अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ बहुत जल्दी मान के चलिए आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको इसकी सूचना दूंगा जानकारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और लाइव सेशन मैं लूंगा आप लोगों को उससे रूबरू आप लोगों से होंगे और उसमें आप जो भी डाउट्स आपके होंगे क्लियर कर सकते हैं हम लोग फिर हम लोग रूबरू होंगे और आपसे बात करूंगा आपके जो डाउट्स क्वारीज जो भी होंगी आप उसमें क्लियर कर सकते हैं मैं लाइव आपको स्टोरीज़ बनवाऊंगा और चीज़ों के बारे में स्पोकन के बारे में बताऊँगा जिससे हम स्पोकन को इम्प्रूव आप कर पाएंगे क्लियर है वो बहुत ही अच्छा एक पल होगा हम लोग के लिए इसमें साथ मिलने के लिए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं जानते मुझे नहीं जानते हम लोग मिले भी नहीं है बट वो जुड़ेंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से तो थैंक्स फॉर यूट्यूब उनके धन्यवाद कि उन्होंने हमको इतना अच्छा पैटर्न दिया है कि हम लोग को ऐसा पब्लिक डोमेन है जिसकी वजह से आज हम लोग रूबरू हो पा रहे हैं तो ये आपकी आज की सेशन थी आपका अग्रमेंट कम्प्लीट हुआ आज की स्टोरी में प्रैक्टिस करिएगा उसको यूज़ करिएगा कल कुछ डिफरेंट दो वीडियोस पड़ेंगी उनको जरूर देखिएगा ठीक है प्रयास करूंगा आपको मैं कहना कहीं इस समय आप लोगों को थोड़ा एंजॉय करा पाऊँ क्योंकि लॉकडाउन के चलते बंदा घर बैठे बैठे परेशान भी हो गया निकलना नहीं हो पाता बिल्कुल भी क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन हम लोग के भले के लिए हैं और हमें उसको पालन भी करना है कहीं ना कहीं है ना तो आप घर बैठे आप लोग इस समय वीडियोज़ देख रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं और कुछ इन्जॉय इतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें सब बंद हैं इस समय कहीं जा सकते नहीं हम लोग तो कुछ ऐसी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा इससे आपको कुछ हल्का अच्छा फील होगा मैं प्रयास करूँगा ठीक है ना तो कल की वीडियो ज़रूर दो वीडियो कल पढ़ेंगी एक सुबह दोपहर बारह बजे एक शाम को नौ बजे तो उसको मिस ना करिएगा इतना पर्याप्त है आज के लिए प्रैक्टिस करिएगा परसों की स्टोरी ऐसी परसों कल दो वीडियो पढ़ने के परसों स्टोरी बनवाऊंगा जिसमें सारी चीज़ों की जितना तो आज तक पढ़ी है रिलीवेंट यहाँ तक का सबका इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद से नया सेशन नया चैप्टर एग्जैक्ट पूरा कोर्स नया जो है शुरू हो जाएगा जो मेन कोर्स है आपका शुरू हो जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं चैप्टर्स को मिस ना करिए वीडियोस को मिस ना करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बड़ी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इतना काफ़ी आज के लिए दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी कल सेम टाइमिंग के ऊपर रात में नौ बजे तब तक के लिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए थैंक यू सो मच माई साइड नेक्स्ट वीडियो गाइज नमस्कार जय हिंद थैंक यू